आज हमारे जो पहले मुकर्रर हैं कराची यूनिवर्सिटी से, उनका ताल्लुक मुबीन इरशाद साहब, तशरीफ लाइए मुबीन इरशाद साहब। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुबीन एक्चुअली नाम ऐसा है ना। ठीक है जी, शुरू कर लें। 1 2 3 हियर वी गो। जिस मुल्क के मुजाहिद शहादत को इबादत समझ कर अदा करते हों, वो मुल्क बराए फरोख्त नहीं हुआ करते सदर आली वक़ार पाकिस्तान। जी हाँ, पाक सरजमी पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के जो अपनी तकमील से पहले पैरों में ग़ुलामी की जंजीरें, हाथों में मजलूमियत की हथकड़ियाँ और गर्दन में जुल्म ज़्यादती और जबर तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में लापता था। हमें याद है आज़ादी की वो रात के जब इसके वजूद के लिए आवाज़ उठाने वालों की लाशों को जलाया गया, कई माओं की गोदें उजाड़ी गईं, कई नन्ही कलियां यतीम हुईं, अरे कई ज़ईफ़ वालिदैन ने अपने कमज़ोर कंधों पर जवान बेटों के लाशें उठाए। तब मैंने जाना कि पाकिस्तान बराए फरोख्त नहीं है, कि सदर आली वक़ार वो पाकिस्तान बराए फरोख्त कैसे हो सकता है कि जिसके पे में परवाज़े शाहीन हो, कि जिसके अलिफ में ऊंची उड़ान हो, कि जिसके काफ में कामयाबी हो, जीत हो, कि जिसके सीन में सलामती और अमन हो, कि जिसके ते में तिलावत कुरान पाक हो, जिसके अलिफ में उम्मीद हो, यकीन हो, ईमान हो, कि जिसके नून में ना बिकने और ना झुकने वाले शहीदों का लहू शामिल हो, वो पाकिस्तान बराए फरोख्त कैसे हो सकता है कि जहाँ राशिद मिनहास जैसा शाहीन अपने वतन की बका की खातिर खुद को जमीन बोस कर देता है, कि जहाँ एतजाज़ हुसैन जैसा बहादुर अपने वतन के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी जान की बाजी लगा जाता है, कि जहाँ अब्दुल सत्तार ईदी जैसे गिरतों को सहारा देने वाले हों, वो मुल्क बराए फरोख्त कैसे हो सकता है। मगर ठहरिए, मुझे इस बात की वजाहत देने दीजिए कि सदर आली वक़ार पाकिस्तान बराए क्या, अगर पाकिस्तान बराए फरोख्त होता तो आज दीगर बिकाऊ ममालिक की तरह इसराइल को तस्लीम कर चुके होते, क्या अगर आज हम बराए फरोख्त होते तो दुनिया इस्लाम में पहली एटमी ताकत बनने के बजाय इन कज़ाकों के हाथों अपने एटमी प्लांट का सौदा कर चुके होते, अगर आज हम बराए फरोख्त होते तो कश्मीर और फलस्तीन के लिए उठने वाली आवाज़ों का गला कब का घोंट चुके होते। मगर अब सदर आली वक़ार पाकिस्तान इस दुनिया के वजूद पर 195 ममालिक में से एक मुल्क को ललकार कर कहता है, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा कर खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। शुक्रिया।